दोस्तों, सतत संघर्ष ऐसे लोगों की वास्तविक कहानी है जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष में शिक्षा को एक हथियार की तरह अपनाया और उदाहरण बन गए। इस डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला में वास्तविक चरित्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी पेश की गई है। अच्छा विनोद, हाँ एक बात बता। क्या? जब ये डैम बन जाएगा हाँ तो हमारे गांव के खेतों को तो पानी मिल जाएगा ना? हाँ तो फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने कई बार सोचा कि जाकर के पता कर लो, फिर लगता है हमारा क्या है, हमारा गांव तो नहीं है ना। मालूम नहीं यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कई बार इन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो खराब लगता है। बेचारों का घर छूट जाएगा, खेत छूट जाएंगे। फिर सोचता हूँ कि अगर इसमें कोई फायदा नहीं है तो सरकार ये करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है? हाँ। है? चल चल। समझती ही नहीं हो, एक ही दिन में सारा खिला दोगी क्या? अब रोज रोज कौन उतारे? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें लड़का देखने आ रहा है। हाँ आ रहा है। तुम्हें चलना है सरनटोली? वहाँ क्या है? अरे नहीं जानती, आज नाच है ना वहाँ। तुम भी जल्दी से खाना वाना बना लो। लो कुशल भैया भी आ गए। अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर का सारा काम खत्म करना है। तुम भी तैयार है ना? तुम तो ऐसे उतावली हो रही हो जैसे सचमुच किसी को पसंद कर लिया है। नाच में आओगी ना तो खुद ही देख लेना। पागल। अब कहाँ चल दिए? अभी आए और अभी चल दिए, घर में तो मन ही नहीं लगता। माँ वो सारना टोली में नाच है, वहीं जा रहा हूँ। कभी यहाँ नाच कभी वहाँ नाच, काम करने का तो तेरा मन ही नहीं लगता। खुटी का भी काम छोड़ के बैठ गया। क्या करूँ, वहाँ मन ही नहीं रहता रहने को। बेटा मैं कब कहती हूँ कि वहाँ रहो, यहाँ रहकर भी तो कोई काम कर सकते हो। अब तो तुम पढ़ना लिखना भी सीख गए हो। माँ सोचता तो मैं भी हूँ लेकिन क्या करूँ। खेती भी तो कर सकते हो, अपने मामा को देखो, साग भाजी मकई आलू कितना कुछ उगाते हैं। माँ तुम भी कभी कभी कैसी बात करती हो, मकई की खेती के लिए बहुत पानी की जरूरत है और उनके यहाँ उनके पुराने तालाब में गर्मियों के दिन में भी पानी रहता है। हाँ कभी कभी सूख जाता है वो अलग बात है, अगर हमारे गाँव में भी पानी की सुविधा हो जाए ना तो हम भी मकई की खेती कर सकते हैं। विनोद सुना है उनका गांव भी डैम में डूबने वाला है, कहते हैं बहुत रुपया मिलेगा। पता नहीं माँ, मैं चलता हूँ। रुपये लेकर भी क्या करेंगे जब अपना घर अपना गांव खेत कुछ भी नहीं रहेगा। Thank you.
क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस सोच रहा था वही डैम की बात। सरकार ने तुम्हें सोचने का ठेका दिया है क्या? तुम भी बस। तुम भी क्या, नाइट स्कूल में जाके थोड़ा पढ़ ले क्या, गए बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती है? इतने लोग कहाँ जाएंगे? आधा को अपने घर बुला लेंगे। सुना नहीं, सरकार उन्हें फिर से बसाएगी, उन्हें रुपया देगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम जल्दी से खाना बनाओ, मुझे जल्दी सोना है और फिर सुबह जल्दी उठना है। सोच रहा हूँ खेत में थोड़ा कांदा डाल दूं। हाँ, सूखे में हो जाएगी कांदा। कोई बता रहा था कि ब्लॉक से कुआं दिया जा रहा है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम भी जाओ ना। अगर ऊपर वाले खेत के पास एक कुआं हो जाए तो कंधा तो क्या बहुत कुछ हो जाएगा। सारे जितने प्रोग्राम्स थे इरिगेशन के स्मॉल वेल्स के थे, तो मिलियन वेल स्कीम जो जलधारा का है वही एक प्रोग्राम था। तो बेसिकली हम लोगों को काफ़ी कॉन्विंस करना पड़ा, इवन जलधारा का जो गाइडलाइंस को ही चेंज करना पड़ा। कैसे हैं आप लोग? मैं एक संस्था से आया हूँ और मैं तोरपा में ही रहता हूँ। तो हम लोग चाहेंगे कि अभी आप लोग आपस में थोड़ा बात करके इतना बताएंगे कि हम लोग कौन सा समस्या को पहले लेंगे। देखिए, मेरी बात पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, फिर बोलेंगे कि दो चार किताबें पढ़ ली तो बड़ी बड़ी बातें करता है। आप साफ साफ बोलिए ना, ऐसा घुमा फिरा कर बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगर नदी के पानी को किसी भी तरह से ऊपर चढ़ा दिया जाए तो फिर कुओं की जरूरत नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन ब्लॉक में लिफ्ट इरिगेशन का कोई स्कीम नहीं है। हाँ, ये सिंचाई कुआं का पैसा आया है। यही तो बात है कि ये कोई नहीं देखता कहाँ क्या जरूरत है, बस कुओं के लिए पैसा दे दो। अब उससे फायदा होता भी है नहीं होता है, किसको होता है क्या पता। ये तो बात सही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 42 लोगों को जो कुओं का पैसा मिलना है उसे मिलाकर लिफ्ट इरिगेशन में लगा दिया जाए? मुझे लगता है लिफ्ट इरिगेशन ज़्यादा किफ़ायती पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हम लोग 50 लोगों को सिंचाई कुआं देने के सोच रहे हैं, उतने लोगों को उतनी ज़मीन में 2 लाख रुपए में आप लिफ्ट इरिगेशन आराम से लगा सकते हैं। 2 लाख में करीब, जैसे हमने दूसरे गाँव में लोगों ने लगाया है, 50 एकड़ करीब पड़ जाती है और आप आराम से दूसरी खेती ले सकते हैं। हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं कि लिफ्ट इरिगेशन अगर हमें मिल जाए और खेती अगर हमारी अच्छी होगी तो खाने की जो असुविधा है वो निपट सकते हैं हम। मुझे लगता है कि ये लिफ्ट इरिगेशन ज़्यादा ठीक है। क्यों भाइयों? बात तो ठीक है, लेकिन वीडियो साहब मानेंगे तब तो? वो तो बात की जा सकती है। हाँ, बात तो की जा सकती है। जोहार साहब। जोहार साहब। जोहार, कहिए साहब। ये कैसे हो सकता है? पैसा तुम लोगों को कुएं के लिए मिल रहा है, तुम लोग इसे लिफ्ट इरिगेशन में कैसे डाल सकते हो? जांच होगी तो कुआं कहां दिखाओगे? मेरे ख्याल से आप लोग इस झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। साहब, हम चाहते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन सरकार की तरफ से ही बने। जी साहब। और अगर आप सेंशन कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी हम लोगों की। कितनी बार समझाऊं, जो फंड है वो लिफ्ट इरिगेशन का नहीं है, इसे ऑफिशियली सेंशन हम कैसे दे दें? मेरे ऊपर भी अफसर हैं,
मुझे भी नौकरी करनी है। चल विनोद, ये लोग कुछ नहीं समझते, समझना ही नहीं चाहते, ये तो बस विकास की नौकरी करते हैं, नौकरी, विकास हो ना हो इन्हें कोई मतलब नहीं। घर आओ, तुम जानते हो मैं तुम्हारा कुआ भी रिजेक्ट कर सकता हूं। रिजेक्ट कर सकते हैं, कर दीजिए ना, नहीं चाहिए हमको कुआ। कुआ रिजेक्ट करेंगे। चल चलो चलो। कुशाल, कौन है? कुशाल हो? अरे ठेकेदार बाबू, जोहार जोहार। जोहार जोहार। इतनी रात गए? तुमसे ही मिलने आया था, एक खास काम है, चलो ना उधर। अरे थोड़ा लगाते भी हैं और बात भी करेंगे। नहीं नहीं, अभी खाना खा लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम यहीं बैठ के बात कर लो। बैठो। सुन रहे साहू, जो देख एक मिले तो लेता। ठीक। हाँ तो कुशल, एक खास काम से आया था। वो तो मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? और क्या, खास काम नहीं होता तो इतनी रात में तुम मेरे घर क्यों आते? सुनो, वीडियो साहब से मेरा रोज का उठना बैठना है, और तुम जानते ही हो कि गांव के सारे कुएं मैंने ही पास करवाए, याद है ना? लेकिन अभी जो तुम लोग काम कर रहे हो, इससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अगर फंस गए तो सब के सब जेल चले जाओगे। अब तुम ही बताओ कुशल, कुएं का पैसा लिफ्ट इरिगेशन में कैसे लगा सकते हो? एक बात बताइए ठेकेदार बाबू, कुआं मेरे नाम से है, मैं उसका जो चाहे करूं, और जेल होगी तो मुझको होगी, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अरे मेहनत हमारा नहीं है क्या? कितनी दौड़ धूप की थी हमने इसे पास करवाने में, यहां साइन कराओ वहां खिलाओ, ये सब इसीलिए ना किया था कि दो पैसा बचे और तुम लोगों की बस। अब मैं समझा, अब समझा मैं तुम्हारा खास काम, तुम्हारा ठेका छिन रहा है ना? देखो कौशल, तुम राजी हो जाओ तो गांव के सारे लोग तैयार हैं, 24,000 रुपए एक कुएं का, एक कुआं भी खुदवा दूंगा और तुम्हें 4,000 रुपए भी दे दूंगा, लेकिन बाकियों को 2,000 ही दूंगा। अरे बाकी सब सेटिंग गेटिंग में, पास करवाने में। ठीक, अब तुम लोग जाओ यहां से, नहीं तो मेरा माथा घूम जाएगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत? इसमें हिम्मत की क्या बात है, तुम लोगों ने जो बोला वो हम लोगों ने सुना, अब तुम लोग जाओ हमें सोने दो, और वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम लोग कैसा कुआं बनाते हो। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी बिल्डिंग तुरपा में ऐसे थोड़ा ही ना बन गई है। तुम लोग एक बार फिर सोच लो, हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। चल रहे साहू। Thank you.
ठेकेदार द्वारा 9 तालाब बने हैं, 9 या 10 तालाब बने हैं, जो कि ब्लॉक में लिस्टेड है, लेकिन एक भी गांव में तालाब बोल के फंक्शनल नहीं है। तो बेसिकली उसमें वही प्रॉब्लम हुआ कि ब्लॉक से स्कीम निकला, ठेकेदार ने लिया और इम्प्लीमेंट किया, गाँव वालों को पूछा भी नहीं कहाँ तालाब बनाना है, इस तरह का। एंड इवन दैट इज़ द केस विद बालको का जितना भी लिफ्ट इरीगेशन, 70 लिफ्ट इरीगेशन हमारे पूरे रांची में है, पर किसी में भी गाँव वालों को नहीं पूछा कौन जमीन पटेगा, गाँव वालों को ये भी नहीं बोला गया कि यहाँ सचमुच लग रहा है इस तरह का स्कीम जिसको आप लेके खेती करेंगे, इस तरह कुछ बातचीत हो। सुनो, मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, और हाँ, लोहा जिमी का सिलाई गुड़िया आ सकता है, बिंजू कह रहा था कि उसे मुंडा से कुछ बात करनी है। देखो, तुम इन सब मामलों में ना पड़ो तो अच्छा है। क्यों? सुना है वो कालेड़ में जहाँ डैम बन रहा है, बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, कहीं फंस गए तो? भाई मैं क्यों फंसूंगा, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं उसे सिर्फ मुंडा से मिलवा दूंगा बस, अब फिर आगे वो जाने और मुंडा। फिर भी तुम्हारा नाम भी तो आ सकता है। भाई मेरा नाम क्यों आएगा, इसमें मेरा नाम आने वाली कौन सी बात है। देखो, जैसे वो मदद के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं, ऐसे ही वो हमारे गांव में आ रहे हैं। असल में मैंने सुना है कि तुम बेकार में परेशान होती हो। अच्छा सुनो, वो खूटी जाओगे तो मच्छरदानी लेते आना, स्टेला सिस्टर बता रही थी कि मलेरिया फैल रहा है। ठीक है, देखता हूँ समय मिला तो। अब पता नहीं ना SDO ऑफिस में लिफ्ट इरिगेशन की बात कितनी देर तक चलेगी। कुशल जल्दी चलो, मार्टिन और रेटा निकल चुके हैं। आता हूँ। अच्छा जगह चल के देख लेते हैं। हाँ, जगह चल के देखते हैं। हाँ। पहले मैं नक्शे में आपको देखिए, ये यहाँ से हम ये इरिगेशन करेंगे तो चल के देख लेते। अच्छा, 4-5 लोग चलिए, आप लोग थोड़ा वहाँ जाके आते हैं। अच्छा, आज का बैठ के तब यही खत्म करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये जो मॉडल से जस्ट एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक मॉडल हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसमें शुरू से ही मतलब लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोग ही उसको मेंटेनेंस करेंगे और उसका होल सिस्टम को, मैनेजर सिस्टम को रन करेंगे। ये पूरा पार्ट हो पूरे गांव वालों का है, मतलब तो वो काफ़ी ओनरशिप लाता है। कोई भी अपना काम को अपना समझ कर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले गड्ढा खोदे शरमदान में, उसके बाद हम लोग पाइप भी शरमदान में, जितना दूर हम लोग का सिंचाई एरिया है उतना तक हम लोग गाड़ दिए, वो भी शरमदान में। सारा चीज जितना भी है, सारा चीज हम लोग मैंने शरमदान में काम किए हैं। अरे आ जाओ ना भैया, आओ। दोपहर तक तुम लोग जो है अपना काम निपटाओ और मैं अपना निपटाता हूँ। जब से लिफ्ट इरीगेशन लगने की बात हुई, उसके बाद तो ऑपरेटर के लिए गांव वाले मुझको चुना और ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए मुझको सिली भेजा गया, वहाँ मैं 1 महीना ट्रेनिंग किया। उसके बाद ट्रेनिंग करके मैं आया और इधर मशीन लग गया, और अभी लग गया है। पहले तो खेती नहीं होती थी, अब गर्मी में भी हम लोग खेती करते हैं।
जोहार जोहार वीडियो साहब। नमस्ते। करवा टोली जा रहा था, देखा तुम लोगों ने तो गर्मी के मौसम में भी इतना कुछ किया है। हाँ जी साहब, जब से हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन लगाया है ना, तब से सिंचाई की व्यवस्था हो गई है और अब तो साग सब्जी खूब उगाते हैं। साल में 3-3 फसल उगाते हैं और आप तो कुआं बनवाने की बात कह रहे थे। मैं क्या कर सकता था, तो देखिए हम भी तो नौकरी करते हैं ना। ये सामने क्या है? वो मकई है। अब बताइए, भला पहले पूरे इलाके में कोई मकई उगाने की सोच सकता था? बात यह है वीडियो साहब कि लोग सोचते हैं कि हम आदिवासी विकास नहीं चाहते, ये सच नहीं है। हम विकास चाहते हैं वीडियो साहब, लेकिन नुकसान करके नहीं। तो कुएं में क्या नुकसान हो जाता है? कुएं में एक बात बताइए कि इस लिफ्ट इरिगेशन में कितना खर्चा हुआ? 2 या 2.5 लाख रुपया है, और 42 लोगों की पटवन होती है, 42 खेतों में पानी जाता है, और अगर 42 कुएं बनाते तो? और एक गांव में फिर 42 कुएं होते क्या? और 42 कुएं बनवाने में हमारी कितनी जमीन चली जाती? सचमुच तुम्हारा गांव तो बहुत समझदार हो गया है। अब इस बारे में भला हम क्या कहें वीडियो साहब, हम गांव वालों की सुनता ही कौन है। मुझे लगता है कि डैम के मामले में। अच्छा मैं चलता हूँ। करवा टोली के लोगों ने स्कूल बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की है, उसी का निरीक्षण करना है। जोहार। जोहार। देखा, ये लोग देखने के बाद भी सोचना और समझना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, पंप शायद बंद हो गया। ठीक, मैं भी चलता हूँ। बेसिकली निशितपुर में जैसे विनोद जो कि पढ़ा लिखा है ना, तो वो मतलब ऑपरेटर ट्रेनिंग में जैसे मान लीजिए पार्ट्स याद करने हैं, पिस्टन रिंग है, सिलेंडर है, तो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर बहुत कम पढ़ा लिखा है, लिटरेट भी नहीं है, तो उस तरह को लोगों को लेके आप 1 महीना ट्रेनिंग में आप इतना उनको इक्विप नहीं कर सकते हैं। लीफलेट्स है तो वो खुद पढ़ता है, तो पढ़ के वो गांव का मीटिंग में जाके बता सकता है। मतलब यहाँ क्योंकि एग्रीकल्चर नॉलेज भी अपडेट होता रहता है, कोई नया वैराइटीज़ आता है तो बुक्स को रेफर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से लिटरेसी तो काफ़ी एक अच्छा एक फाउंडेशन देता है हम लोग को, कोई भी प्रोग्राम नहीं, नॉट इवन लिफ्ट इरिगेशन बट अदर वाटरशेड केयर प्रोग्राम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम, इट हेल्प्स अ लॉट। जेमा, ओ जेमा, क्या हुआ मंगरी चाची, अरे कहाँ भागी जा रही है, सुनती तो नहीं है। वो सांडा के यहाँ आज 21 दिन है ना बच्चे का, नामकरण में जा रही हूँ। तुम नहीं चलोगी? हाँ जाऊंगी, विनोद और न्यारन सुबह के गए हुए हैं, आ जाए तब ना। अरे ये नहीं खरीदी क्या? हाँ बाबा ने आलू बेचकर खरीद दिया है। सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से हमारे गांव का तो रूप ही बदल गया है। हाँ चाची, अनुभव और पढ़ाई लिखाई इसी से तो ये सब संभव हो पाया है। अच्छा तो तुम आना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ तू जा। Yeah.